तीन चेयर आगे लगा दो कैप्टन साहब के लिए, संजय कुमार पूरे बार्ड में आओ, मेनली प्रदीप भी आ गया हूं। भगवान सिंह आया हूं, बाल सिंह जी, प्रदीप जी हम सभी के लिए खुशी की, पूरे भारत की पहचान कारगिल के हीरो, देश के राष्ट्रीय गौरव, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार साहब का रेगिस्तान की इस धरती पर बाड़मेर के युवा तरुणाई हार्दिक स्वागत। अभी संजय कुमार साहब को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का तापमान 50 डिग्री का हो सकता है, लेकिन यहाँ के नौजवानों के अंदर देशभक्ति का जो तापमान है वो 100 डिग्री से ज्यादा है। और आज हमारे लिए फख्र की बात है कि देहरादून से चलाकर कारगिल के हीरो, जिन्होंने अकेले पाकिस्तान की नकेल कस दी थी, हीरो और पिछले 40 सालों से सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए संघर्ष करने वाले कैप्टन हीर सिंह जी भाटी साहब से कि आप माल्यार्पण, मैं निवेदन करूंगा बाल सिंह जी राठौड़ निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष, आप भी संजय करावे। बाड़मेर के सैकड़ों परिवारों में सेना को घर घर तक पहुंचाने वाले आदर्श किशोर जी से आग्रह करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर, बीच में पधारे समाज सेवी भगवान सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत। बाड़मेर में एजुकेशन ग्रुप से जुड़े आदरणीय प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार करावे। निजी शिक्षण संस्थान के महामंत्री आदरणीय प्रेमाराम जी से आग्रह करूंगा कि आप बुके देके आदरणीय संजय कुमार और सैनिकों के लिए उनके हितों की लड़ाई लड़ने वाले उनको विधि सहायता फ्री में वोटिंग करके सीआई साहब जो भी नए नए अभी बाड़मेर में जिनका यहाँ पर पदस्थापन हुआ है, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार करावे। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी जी चंडक, आपसे भी आग्रह। जैसलमेर से ही लेके पधारे हमारे मित्र जिनका आज जन्मदिन भी है और आपका सौभाग्य है कि आप परमवीर चक्र साहब का स्वागत कर रहे हैं, नरेश पाल सिंह जी, आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करावे। छुप सिंह जी ग्राम संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, आप भी स्वागत करावे। मुंबई से हमारे बीच में पधारे श्याम सिंह जी से आग्रह कि आप स्वागत सत्कार करावे। हरीश जी मूड, हरीश जी 6 साल तक सबसे बेस्ट कैडेट रहे, कैलाश जी प्रवक्ता, हमारे टीम के प्रवक्ता रमेश कड़ेला, मीडिया प्रमुख अशोक सिंह जी, क्या वो फोटो अशोक